विश्वविख्यात शक्तिपीठ नैना देवी मंदिर में नववर्ष के दौरान पिछले 2 दिनों से लगभग 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन करके अपने नववर्ष का आगाज किया। नववर्ष के शुभारंभ अवसर पर श्रद्धालुओं ने माता की पूजा अर्चना की, हवन किया, हवन यज्ञ किया और पूरी रात जागरण में भाग लेकर मां के दरबार में हाजिरी लगाई। रंग बिरंगी लाइटों और फूलों से सजे मां के दरबार मंदिर परिसर का मनमोहक दृश्य श्रद्धालुओं के दिलों में प्राकृतिक सौंदर्य की अपार छटा बिखेरता रहा। इस बार मंदिर सजावट का कार्य पंजाब लुधियाना के श्रद्धालुओं ने बखूबी किया। पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार और अन्य प्रदेशों से भारी संख्या में श्रद्धालु मां के दरबार पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। पूरा मंदिर परिसर ऊंचे जयकारों से गूंज उठा है। हिमाचल प्रदेश देवभूमि में धार्मिक पर्यटन का अद्भुत नजारा देखने को यहां मिल रहा है। लंबी लंबी लाइनों में घंटों खड़े होकर श्रद्धालु माता के दर्शन कर रहे हैं। हालांकि पुलिस और प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं और लाइनों में ही श्रद्धालुओं को मां के दरबार में भेजा जा रहा है। मंदिर परिसर में भी श्रद्धालुओं ने खूब पंजाबी भेंटे प्रस्तुत की और खूब भांगड़ा भी डाला। कुल मिलाकर श्रद्धालुओं ने बड़े आराम से माता जी के दर्शन किए व नववर्ष का आगाज किया और खुशी खुशी अपने घर लौट गए। साल नहीं, बहुत मजा आया। मैं बहुत अच्छा दरबार सजाया माता रानी का, बहुत बढ़िया नजारा इतने का, सोना मौसम है, बहुत बढ़िया। जय माता दी। माता श्री नैना देवी जी दरबार से नवे साल का प्रोग्राम प्रशासन वालों, मंदिर कमेटी वालों बहुत ही वधिया जिहड़ा अरेंजमेंट किया हो, सारे भगतों नवे साल दियाँ बहुत बहुत सारिया मुबारक। अज माता के दरबार से बहुत ही भीड़ है ते हर साल की तरह इस साल भी नवा साल बहुत ही धूमधाम नाल मनाया जा रहा है। असी हर साल ही माता के दरबार से आने हाँ ते इत्थे हर साल की तरह इस साल भी बड़ी धूमधाम नाल माता का नवा साल इत्थे मनाया जाता है। जय माता दी। Yeah.